टेलीविजन जगत के जाने माने सितारे हितेन तेजवानी का कहना है कि थिएटर में उनकी कार्यविधि ने एक अच्छा अभिनेता बनने में उनकी मदद की है। हितेन ने कहा, मैंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर में नाटकों से की है। मेरे परिवार वाले परेशान थे क्योंकि मैं ग्रेजुएट था लेकिन नौकरी नहीं करता था। मैं थिएटर कर अपना पूरा दिन बिता दिया करता था और उस वक्त थिएटर में पैसा नहीं था। फिर भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो एक्टिंग में रुचि रखते हैं उन्हें पहले थिएटर में हाथ आजमाना चाहिए क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। उन्होंने आगे कहा कि थिएटर आपको कैमरे के सामने अभिनय करने का साहस देता है क्योंकि जब आप एक लाइव ऑडियंस के सामने अभिनय कर सकते हैं तब आप कैमरे के सामने कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थिएटर में मेरी कार्यविधि व्यर्थ नहीं गई क्योंकि आज कैमरे के सामने अभिनय करना और किरदार के तह तक घुसना मेरे लिए आसान है। इसलिए जो लोग थिएटर करना चाहते हैं उन्हें उत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह किसी भी कलाकार के लिए एक अच्छी चीज है। छोटे पर्दे की दुनिया में शामिल होने के अपने निर्णय के बारे में बात करते हुए हितेन ने कहा, मैं हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता था लेकिन जब मैंने टेलीविजन पर वाकई में कुछ अच्छे अवसरों को देखा, मैंने अपने फोकस को टेलीविजन पर शिफ्ट कर लिया। ये तो थी हैंडसम मैन हितेन की छोटी सी लव स्टोरी। क्या आपको पता है कि हितेन की फिल्म माही एंड सिजर्स का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। यही नहीं, इस फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग के दौरान हमारे कैमरा ने विवान भाटेना और कई बड़े सितारों को अपने कैमरे में किया कैप्चर। आपको हितेन की फिल्मों में शानदार एंट्री कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।